Hello children, I am Daksha teacher from Parasinghe School. Today I am going to teach you Math subject chapter number 6. So let's continue. Question number 4, count and subtract one number. Bigger ones में दिया है triangle, 10 से square और 100 है star. इसमें सब में count करेंगे. Triangle तो गिनना है अपने को कितने हैं ट्रायंगल तो 1 2 3 4 तो 4 लिखा. स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 7 लिखा. स्टार स्टार 1 है तो 1 लिखेंगे. ये माइनस है बी ए इसमें देखेंगे इसके ट्रायंगल कितने हैं तो 1 2 3 4 4 लिखा. स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 स्टार एक भी नहीं दिया है इसमें तो 0 आएगा. 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0. 7 में से 7 गए तो 0. 1 का 1 रहेगा तो उसका आंसर आया 100. 174 माइनस 74 तो उसका आंसर होता है 100. टू नंबर से ये ट्राइंगल दिए है 1 2 3 4 5 6 6 दिए है. वो स्क्वायर में एक भी नहीं है उसमें स्टार है 1 2 3 4 5 5 लिखे. इसमें माइनस करके फिर इसमें देखना है तो ट्राइंगल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लिखे. स्क्वायर एक भी नहीं है उसमें और स्टार कितने हैं 1 2 तो 2 लिखा. अभी 6 में से 9 नहीं जाएगा. इधर आगे 0 दिया है तो अपने से उधार लेना पड़ेगा इधर बोरो लेना पड़ेगा. उसको कट करके 4 करेंगे इधर 10 लेंगे. अभी इधर से भी अपने को इधर लेना है 10 तो 10 को कट करेंगे और 9 लिखेंगे इधर 10 लेंगे तो 10 और 6 16 हुए. 16 में से 9 माइनस करोगे तो 7 बचेंगे. 9 में से 9 9 का 9 रहेगा क्योंकि इधर 0 दिया है तो 9 का 9 रहेगा. 4 में से 2 जाएगा तो 2 रहेगा. तो उसका आंसर आएगा 297. जैसे ऊपर मैंने 2 दिखा है वैसे ही ये नीचे बिलो दिए है वैसे ही है. आपको उसको स्टार देखना है हाँ स्क्वायर देखना है ट्राइंगल देख के उसमें दिखना है फिर वैसे मैंने समझाया वो अबाउट जो बताया वो हिसाब से आपको बिलो में दिया है वो लिखना है. ओके क्वेश्चन नंबर 5 डिसाइड वेदर द आंसर द करेक्ट और नॉट. अभी एग्जाम्पल दिया है 578 माइनस 236. अभी ये दोनों को अपने करेंगे के माइनस करना है. 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 बचेंगे. 7 में से 3 माइनस करें तो 4 बचे. 5 में से 2 माइनस करें तो 3 बचे. अभी ये 342 उसका आंसर आया वो हम ऊपर ले जाएंगे 342. फिर ये नीचे वाली संख्या है माइनस वाली वो लिखेंगे. कितनी दी है 236 तो प्लस करके 236. अब ये दोनों को प्लस करना है. 6 और 2 8 हुआ 4 और 3 7 हुआ 3 और 2 5 हुआ. अभी आप देख रहे हो इधर 578 माइनस है तो ये आंसर आया. फिर उसको लेके इधर प्लस करेंगे तो ये आंसर आएगा. ऐसे जो एग्जांपल दिए वही हिसाब से आपको बताना है. अभी हम एग्जांपल के हिसाब से इधर मैं दिखा रही हूँ आपको. देखो इसमें है 387 माइनस 253. अभी 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा. 8 में से 5 करेंगे तो 3 बचेगा. 3 में से 2 करेंगे तो 1 बचेगा. अभी हम उसको ऊपर लेंगे ये जो आंसर आया उसको हम ऊपर लेंगे कि 134. फिर प्लस करेंगे ऊपर वाली संख्या लेंगे 253. अभी उसको प्लस करेंगे 4 और 3 7 3 और 5 8 1 और 2 3. अभी देख रहे हो आप 234 134 134 253 253
387 387, वैसे ये भी है कि 785 माइनस 664, अभी 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 8 में से 6 गया तो 2 बचा, 7 में से 6 गया तो 1 बचा। अभी वैसे उसको ऊपर ले जाएंगे ऐसे, फिर इसमें 121, तो 121 लिखा, फिर 664 लिखेंगे, प्लस करके 664। अभी उसके दोनों को ऐड करेंगे, कितने होता है देखना है, 4 और 1 5 हुआ, 2 और 6 8 हुआ, 1 और 6 7 हुआ। अभी देखो 2 121 121, 664 664, फिर उसका आंसर आया 785 785। ऐसे जो एग्जांपल बताया है वो हिसाब से मैंने दो आपको दिखाए, वो हिसाब से आपको नीचे दिए है वैसे ही करना है। जैसे कैसे करेंगे हम कि ये दिया है उसको माइनस करेंगे, जो आंसर आया उसको लेंगे और ऊपर की संख्या लेंगे, तो जो ऊपर वाला है वो नीचे आंसर में आ जाएगा, तो तीनों सेम हो जाएंगे। ओके, अभी एक्सरसाइज नंबर 6, फिल इन द एमिट स्पेस बाय एडिंग सेपरेटिंग इज अ पियर एग्जाम्पल दिया है। देखो कि एड भी करना है और माइनस भी करना है, दोनों करना है। फिल इन द खाली जगह दी है, इमिट जो खाली जगह दी है उसमें अभी एग्जाम्पल दिया है इसमें कि 19 माइनस 45, 19 में से 45 माइनस करेंगे तो 45 रहेगा। अभी 25 प्लस 45 में प्लस करके 45 करेंगे तो 70 हो जाएगा। ऐसे इसमें दिया है कि 60 माइनस 25 तो 35 हो गए, और 35 प्लस 25 तो 60 हो गए। अभी 85 माइनस 45 तो 40 हो गए, 85 में से 45 माइनस करेंगे तो 45 हो गए। अभी 55 प्लस 45 करेंगे तो 100 हो गए। जैसे ये 5 और 5 कितने हुए, 10 हुए, तो 0 1 आएगा। फिर ये 5 और 6 7 8 9 10 तो 100 हो गया। ऐसे ऐसे नीचे के भी ऐसे ही आपको करने हैं कि जो प्लस की निशानी है तो दोनों को ऐड करेंगे, उसका आंसर इतना आएगा। माइनस की है तो इसमें ये 120 माइनस 70 करेंगे तो 50 हो जाएगा। ऐसे आपको जो एग्जाम्पल बताया है वो हिसाब से आपको एमिट यानी जो खाली जगह दी है उसमें आपको वो वर्ड्स लिखने हैं और फिर उसको माइनस और प्लस करने हैं। ओके, नंबर 7, फिल इन द एमिट स्पेस। अभी जो खाली स्पेस दी है उसमें आपको लिखना है, भरनी है और फिर उसका आंसर सही है कि नहीं वो देखना है। अभी 1 नंबर में है 42, फिर -1 लिखा है, उधर तुमको खाली दिया है, सर्कल बना के स्पेस बनाया है उसमें खाली दिया है। तो अभी यानी इधर 4 दिया है, आंसर दे दिया है, तो कितने में से तुम माइनस करोगे तो 4 आएगा। तो इधर तो कोई संख्या ही नहीं दी है अपने को, तो अपने क्या करेंगे उसको कि इधर कट करेंगे, इधर 3 करेंगे, इधर 10 लेंगे, बराबर। अभी 4 दिया है तो 10 और 2 कितने हुए, 12 हुए। अभी 12 में से अब 8 लिखेंगे तो 12 में से 8 माइनस करेंगे तो इधर 4 आंसर आएगा, तो अपने को 8 लिखना पड़ेगा क्योंकि 12 है। तो कितने 12 में से कितने माइनस करेंगे तो 4 आंसर आएगा, तो 8 है, 8 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। ओके, अभी देखो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, तो 2 इधर आएगा, इधर 4 तो ऑलरेडी दिया है तो इधर 2 आएगा। ऐसे इसमें करना है कि अपने अंदाज लगा देना है कि 5 दिया है और इधर 3 दिया है, तो कितने में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, इसे तो 5 है बराबर, तो 6 7 8 हो गया, तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगी। इसे अंदाज लगाना है अपने को कि 5 है तो 6 7 8 है, तो 3 बचे हैं, तो अपने से 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगी। ये दोनों को प्लस करोगे तो 8 है आंसर आता है, 5 6 7 8। अभी 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेंगे, ऐसे भी 5 दिया है, तो इसमें से 5 में से कितने कम माइनस करोगे तो 3 बचेंगे, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 बचेंगे, जैसे 3 और 2 5 होते हैं ना ऐसे। अभी ये देखो 4 में से 2 माइनस कर, इसमें तो दिया ही है ऑलरेडी, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेंगे, समझ गए। अभी 8 में से तो 5 माइनस हो ही जाएगा,
थ्री नंबर में, एट में से फाइव माइनस करेंगे तो थ्री होगी, भी थ्री, थ्री सिक्स दिया है, इधर थ्री लिखे वो भी अंदर जाएगा, इस थ्री में सिक्स में से थ्री माइनस करेंगे तो थ्री बचेगा। अभी इधर वन दिया है, इधर फोर दिया है, तो कितने में से कितने में वन माइनस करेंगे तो फोर होगा, तो फाइव में से वन माइनस करेंगे तो फोर होगा। वो अपने अंदाज से लिख के उसको बताना है, वैसे सब में ऐसे दिए है, वो आपको करना है। इधर थ्री दिया है, इधर सेवन दिया है, तो थ्री में से सेवन माइनस नहीं हो सकता, तो अपने को आगे लेना पड़ेगा। इधर कुछ भी नहीं है, इसमें सर्कल बनाया है, उसको हम जीरो करेंगे, बराबर जीरो लेंगे। तो इधर अपने बोरो लेने के लिए इधर पहले अपने क्या करना पड़ेगा, इधर से लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर कोई संख्या ही नहीं दी है ना। इधर ऐसे बताया है कि भाई एट और वन नाइन होते हैं, एट एंड वन नाइन, तो नाइन में से एट जाएगा तो ही वन बचेगा, बराबर। हम क्या करेंगे, इधर कट करके इधर सिक्स लेंगे, इधर टेन लेंगे, लेकिन टेन में से नहीं हो, क्योंकि इधर अपने को आगे भी उधार लेना है, बोरो लेनी है, तो उसको कट कट के हम डायरेक्ट टेन नहीं लिखेंगे, लेकिन नाइन ही लिख लेंगे। नाइन लिखा, इधर टेन आ गया। अभी टेन और थ्री कितने हैं, थर्टीन। अभी थर्टीन में से सेवन माइनस करोगे तो सिक्स बचेंगे। अभी नाइन, नाइन में से एट माइनस किया तो वन बचा। अभी सिक्स में से टू माइनस किया तो फोर बचा। ऐसे ये सबको आपको बताना है जो दिया हुआ है, वैसे जैसे मैंने आंसर के साथ बताया हुआ है, आप प्रैक्टिस करो देख के एक बार, तो समझ जाओगे। ओके, एक्सरसाइज नंबर एट, एड और सबट्रैक्ट द नंबर गिवन ऑन ईच पोस्ट कार्ड, दिए हैं आप लोगों को, रिप्रेजेंट द आंसर इन द अबाउ गिवन हाउस नंबर बाय। अभी क्या है कि आपको पोस्ट कार्ड दिए हैं और उसको निशानी रिप्रेजेंट यानी निशानी बताइए, प्लस और माइनस, तो हिसाब से आपको प्लस माइनस करने हैं, बराबर। कि जो ये दिया है वो प्लस है तो उसको प्लस करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। अभी एक बार मैं बताती हूँ आपको कि भाई 455 प्लस 10, देखो इसमें 445 प्लस 10, तो 455 आंसर आ गया। अभी इसमें है 467 प्लस 11, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 478 आंसर आया, बराबर। अब इसमें है 450 माइनस 19, तो 450 में से 19 माइनस करेंगे तो 431। अभी 430 दिया है प्लस 15, उसको ऐड करेंगे तो 445 होता है। ऐसे ये सब में रिप्रेजेंट दिया है, आपको निशानी दी है कि क्या माइनस करना है और क्या प्लस करना है। ओके, समझ गए। अभी आगे देखो क्या करना है अपने को, कि भाई 455 ऐसे बॉक्स बनाया है, वो आपको इधर हाउस दिया है उसमें करना है, ये सबका टोटल करना है, ऐड है तो ऐड करना है और माइनस है तो माइनस करनी है। फिर ये बॉक्स में हम 455, तो 455 को सर्कल बनाएंगे, ऐसे बॉक्स बनाना है, है? अभी 478 आया था, 478 करेंगे, जो आंसर आया है वो इसमें हाउस के अंदर उसको बॉक्स बनाना है। 431, तो 431 कहाँ पे है, ये रहा, तो बॉक्स बनाएंगे। 445, तो 445 में बॉक्स बनाएंगे। 436, तो 436 बॉक्स बनाएंगे। ऐसे जो भी जो पोस्ट कार्ड दिए हैं, जो भी नंबर्स आए हैं उसके आंसर आए हैं, वो इसमें सब दिए हैं, उसमें सब में आपको जो जो नंबर्स आंसर आए हैं उसको बॉक्स बनाना है ये हाउस में, जैसे मैंने आपको दिखाया ना ऐसे, ये जो आंसर आए हैं उसको बॉक्स बनाना है। पहले आप प्लस और माइनस करोगे, बाद में जो आंसर आता है उसको आप हाउस के अंदर जो आपको ये दिए है वर्ड नंबर्स उसमें आप सर्कल बनाएंगे, ऐसे स्क्वायर बनाना है, जो निशानी दी है वैसे इसमें बनानी है। जैसे 479 दिया है तो 479 ये रहा, तो इसमें हम 479 ऐसे करेंगे। ओके, समझ गए।
नाइन नंबर राइट द मिसिंग नंबर्स, मिसिंग नंबर है जो बाकी का है, मिस है उसको लिखना है। अभी 120 है तो 140, 20 मिस करना है उसको, 40, 160, 180, फिर 200 होता है, 220 होता है, ऐसे लिखेंगे। हाँ, अभी ये दिया है 500, 890, 719, 519, 519, 490, 390, ऐसे लिखेंगे। हाँ, थ्री नंबर में 50 है तो 100 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 200 आ जाएगा, 250, 300। फोर नंबर में है 125 है, 150, 175, 200, 225, 250, जो मिसिंग दिए है उसको आपको फिलअप करना है मिसिंग नंबर पे। बराबर। अभी देखो 460 दिया है तो 480, 440 दिया है तो 420, 400 तो दिया है, 380 ऐसे आएगा। अभी 300 है, 250 है, ऐसे पीछे से ये 50, 100, 150, 200, 250, 300 ऐसे होता है। भाई 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, समझ गए? भाई 250 है, 225 है, 235, 245, 255, 265, ऐसे मिसिंग नंबर है वो आपको करना है, राइट करना है, दिखना है उसको। ओके, एक्सरसाइज नंबर 10, सब्ट्रैक्ट एज पियर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल दिया है जैसे 57 माइनस 36। अभी 57 माइनस 36 करेंगे तो इक्वल 21 होगा, उसका आंसर 21 होगा। अभी अपने से 36 दिया है, इसमें प्लस 4 ऐड करेंगे तो 40 होगा। अभी 40 में प्लस 10 ऐड करेंगे तो 50 होगा। अभी 50 प्लस 7 करेंगे तो 57 हो गया। अभी देखो, अभी जो 36 दिया है तो उसको सर्कल करा है, ये आंसर है 57 है तो उसको सर्कल करा। अभी 21 आंसर कैसे आया है वो बताना है। तो 10 और 7 17 और 4 21, आंसर ये आ गया, ये तीनों मिल गए 57, 36, 21। ऐसे ये सबको करना है अपने को। दो एग्जाम्पल दिया है, आंसर 21 आया। अभी इसमें देखो अपने, एक वन नंबर है 65 माइनस 32। हाँ, ये क्या करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 6 में से 3 गया तो 3 बचा। अभी अपना आंसर 33 आना चाहिए। अभी इधर से हम काउंट करेंगे, 32 लिया प्लस 8 तो 40 हो गया, 40 प्लस 20 हो गया तो 60, 60 प्लस 5 करेंगे तो 65, तो अभी ये 65 आ गया, सर्कल बनाया, ये 32 आ गया। अभी इसका आंसर 33 आना चाहिए, तो 20 और 8, 28 और 5, 28, 5, 33 आंसर आ गया। देखो 65, 32, 33 आ गया ना। ऐसे हमको सब में करना है। थ्री नंबर में देखो 49 है माइनस 16, तो 9 में से 6 आएगा तो 3 बचेंगे, 4 में से 1 गया तो 3 बचे तो 33 आया। अभी ये 16 लेंगे, 16 प्लस 4 तो 20, 20 प्लस 20 तो 40, अभी 40 प्लस 9 तो 49। अभी इधर 16 है तो 16 से सर्कल करेंगे, इधर 49 है तो 49 से सर्कल करेंगे। अभी 33 आंसर आ गया है, तो 20 और 9 29 और 4 33, तो उसका आंसर आ गया। ये तीनों को मिलाएंगे तो उसका आंसर आएगा, ये तीनों ऐड हो गया 33, 49, 16। ओके, ऐसे ये सबको करना है वन बाय वन। अभी ये देखो 84 माइनस 44, तो 4 का 4 है तो 0 आएगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेंगे। अभी 44 प्लस 6 तो 50 हो गए, 50 प्लस 30 तो 80 हो गए, 80 प्लस 4 तो 84 हो गए। अभी देखो ये है 44, तो 44 आ गया, उसको सर्कल करेंगे, 84 है तो 84 करेंगे, और इसको 36 और 4 तो 40 आंसर आ गया,
ऐसे आपको काउंट करना है गिन गिन के, क्योंकि ये अपने ये ले रहे हैं तो उसको मिलाना है, लेकिन लास्ट वाला ये वाला आंसर तुमको 84 आना चाहिए, जो भी तुम्हारी संख्या है वो हिसाब से आना चाहिए। ओके, समझ गए?